जैन धर्मावलंबियों के चातुर्मास का प्रारंभ हो गया है। इस अवसर पर वाशी के अनुव्रत भवन में साध्वी श्री पंकज श्री के सानिध्य में धार्मिक प्रवचन चल रहा है। उन्होंने कहा कि चातुर्मास जैन सन्यासियों के लिए आत्मिक शुद्धि, नैतिकता और सद्भावना के विकास के लिए तपस्या काल है। उन्होंने कहा कि महाश्रवण का यही संदेश घर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। देखिए रिपोर्ट। जैन चातुर्मास के आरंभ से वाशी का अनुव्रत भवन आध्यात्मिकता और धार्मिक चेतना से सराबोर हो रहा है। चातुर्मास पावस प्रवास में इस बार नवीन भाईकरों को साध्वी श्री पंकज श्री जी के पावन सानिध्य में प्रतिदिन ज्ञान तप आराधना का लाभ मिल रहा है। आज धर्मावलंबी अमृतलाल जैन समेत तमाम अनुयायियों ने साध्वी श्री पंकज श्री जी का दर्शन किया। सुधरे व्यक्ति समाज रति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अणु का सिंह नाद सारे जग में पसरेगा। मानवीय आचार संहिता में अर्पण तन मन हो, संयम मय जीवन हो, संयम मय जीवन हो। इस अवसर पर चातुर्मास की महिमा बताते हुए साध्वी श्री पंकज श्री जी ने कहा कि यह जैन साधु साधिकाओं के लिए धर्म आराधना तप और प्रवचन का काल है, जिसमें चार महीने आत्म शुद्धि करते हैं और लोगों के मन को भी आत्म शुद्धि के लिए जागृत करते हैं। ये चातुर्मास साधुओं के लिए चार महीने का एक जगह स्थान है, जहाँ पर आकर के यहाँ पर चार महीने हम विश्राम करते हैं। यहाँ पर लोगों को धार्मिक उपदेश देते हैं, त्याग तपस्या करवाते हैं, क्योंकि चार महीने जीवों की उत्पत्ति बहुत ज्यादा होती है, इसलिए साधु उन जीवों की हिंसा न हो, इस दृष्टि से यहाँ चार महीने पर हम एक जगह स्थान में रह करके भगवान महावीर के संदेशों को घर घर तक पहुंचाते हैं, हर व्यक्ति के दिलों तक पहुंचाते हैं और उनके जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं। ये चार महीने हमारी साधना के हैं, हम अपनी स्वयं आत्मा की साधना करते हैं और जन जन को भी त्याग और तप के माध्यम से उनकी आत्मा का जागरण करने के लिए उन्हें संदेश पहुंचाते हैं, उनको जागृत करने का हम अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि आचार्य महाश्रवण जी ने नैतिकता, व्यसन मुक्ति और सद्भावना का संदेश दिया है। यह मानव कल्याण के मंत्र हैं, जिनसे व्यक्ति और समाज दोनों परिष्कृत होते हैं। आचार्य श्री का यही संदेश हम घर घर पहुंचाने के प्रयास में जुटे हैं। वहीं साध्वी श्री शारदा प्रभा जी ने भी शासन श्री कैलाशवती जी के स्मृतियों का उल्लेख करते हुए चातुर्मास की जानकारी दी। आचार्य श्री महाश्रवण जी ने तीन अभियान भी दिए हैं, वो है अनुमत के माध्यम से बताया है कि व्यसन मुक्ति और नैतिकता सद्भावना। ये तीन संदेश आपने अहिंसा यात्रा के माध्यम से बहुत से लोगों तक पहुंचाया है, देश विदेश में पहुंचाया है, तो उस अभियान को भी हम साथ में लेकर के चल रहे हैं। और आज हम यहाँ पर वाशी भवन में अनुबत भवन में हम यहाँ पर त्याग और तप की गंगा बह रही है। यहाँ के लोगों की भक्ति और भावना और पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ महासमंद जी के आदेशा अनुसार हम यह चतुर्मास कर रहे हैं। हमारे शासन श्री साध्वी कैलाश जी ने अपने साधुत्व की जो अंतिम इच्छा है अनशन, उसको ग्रहण किया और उन्होंने बड़े ही जागरूकता के साथ, मनोबल के साथ अपने साधुत्व की अंतिम इच्छा को पूर्ण करने के लिए अनशन ग्रहण किया। आचार्य श्री महाश्रवण जी की आज्ञा से उन्होंने त्रिविहार और चौविहार संथारा ग्रहण करके अपने साधुपन की अंतिम पूंजी को ग्रहण करके आप देवलोक में पधार गए और ये उन्हीं का ही, उन्हीं के श्रम की एक वीणा बज रही है। आपने
तप जप और नैतिकता का जो संदेश दिया, उसी से हम इस चातुर मास की परिसंपन्नता करना चाहेंगे कि नैतिकता अधिक से अधिक देश में फैले। वहीं चातुर मास कार्यक्रम में विशेष योगदान दे रहे तेरा पंथ युवक परिषद के कार्याध्यक्ष रंजीत जैन ने साध्वी श्री पंकज श्री जी के सानिध्य में चलने वाले आध्यात्मिक कार्यक्रमों में समस्त स्वयंकरों को आमंत्रित किया और इसका आध्यात्मिक लाभ उठाने का आह्वान किया। आचार्य श्री महाश्रमण जी गुरुदेव की महती कृपा से हमें शासन श्री कैलाशवती जी, पंकज श्री जी एवं ठानाचार का में चातुर्मास प्रदान हुआ। साध्वी श्री पंकज श्री जी ने रोज प्रवचन करके उन्होंने ज्ञान की धारा को प्रवाह दिया और हम खुशकिस्मत है, हमें हमारा ये सौभाग्य है कि हमें ऐसे साध्वी श्री जी का प्रवास और चातुर्मास हमें मिला है। मैं ये कन्वे मेरा मैसेज को मैं कन्वे करना चाहता हूँ कि हमारी साध्वी श्री जी का पूरा ध्यान है कि हम हमारे समाज को किस प्रकार नैतिकता, अहिंसा, सद्भावना और नशा मुक्ति का ज्ञान प्रदान करें, क्योंकि तपस्या से हमारा अंतर्मन, हमारे आत्मा की शुद्धि होती है। और साध्वी श्री जी हमें यही बताना चाह रहे हैं, हमें यही कन्वे करना चाह रहे हैं और जो भी साध्वी श्री जी के प्रवचन हैं और उनके मैसेजेस है वो हम घर घर तक पहुंचाने का हमने संकल्प लिया है। मैं सभी नवी मुंबई वासियों को कहना चाहता हूं से सभी आइए, दर्शन कीजिए, ऐसी ज्ञान की धारा मुफ्त में नहीं मिलती है, आप उसका फायदा उठा सकते हो। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।